समाजवादी पार्टी के कुनबे में कलह थमती नहीं नजर आ रही है। कल जहां मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने पिता और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव को पत्र लिखकर कह दिया कि वो 3 नवंबर से अकेले ही चुनाव प्रचार पर निकल जाएंगे, तो वहीं अब समाजवादी पार्टी के 2 MLC मुलायम और अखिलेश के पक्ष में खुलकर सामने आ गए हैं। SP MLC उदयवीर ने खुलकर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का पक्ष लेते हुए शिवपाल और उनके परिवार को कटघरे में खड़ा किया है, तो वहीं MLC आशु मलिक ने अखिलेश को नसीहत देते हुए कहा है कि जो लोग मुलायम का सम्मान नहीं कर रहे हैं वो कल उनका भी सम्मान नहीं करेंगे। और आइए अब आपको बताते हैं कि समाजवादी पार्टी MLC उदयवीर ने अखिलेश के समर्थन में क्या लिखा है। ये बात दोनों के ही बीच थी, लेकिन जैसे ही चर्चा बाहर आई तो अखिलेश जी के खिलाफ घर में ही साजिश शुरू हो गई और अखिलेश जी की सौतेली मां साधना तो सामने नहीं आई, लेकिन उनका राजनीतिक चेहरा बनकर शिवपाल जी ने पार्टी के तमाम नेताओं से संपर्क कर अखिलेश को CM बनाने से रोकने के लिए हर संभव कोशिश की। पारिवारिक जलन में जल रहे शिवपाल जी की महत्वाकांक्षा तभी से अखिलेश जी का पीछा कर रही है। शिवपाल जी ने कई बार अखिलेश जी का सार्वजनिक मजाक उड़ाया, जैसे कि अखिलेश लड़का है, ये उत्तर प्रदेश को विदेश बनाना चाहता है, ये एक्सप्रेस वे क्या बनवाएगा, कानून व्यवस्था इसके बस की बात नहीं है, समय के साथ शिवपाल की पत्नी बेटे बहू और आपके भाई के साथ कई रिश्तेदार मौका परस्त नेता और ठेकेदार जुड़ते गए और मुख्यमंत्री अखिलेश की खिलाफ साजिश रचते रहे। और वहीं दूसरी तरफ मुलायम के समर्थन में खड़े MLC आशु मलिक अखिलेश को ही नसीहत देते नजर आ रहे हैं। उन्होंने फेसबुक पोस्ट में लिखा है, अफसोस उन लोगों पर जो पार्टी की लोकतांत्रिक भावनाओं को आपसी कलह समझ रहे हैं और वो नहीं समझ रहे हैं कि माननीय नेताजी और माननीय अखिलेश जी दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। देश में समाजवाद के कितने दिए जले और बुझ गए, लेकिन समाजवादी पार्टी का की क्षमा आज भी रोशन है। हमारे गार्जियन माननीय नेताजी आज भी अपनी जिंदगी का एक एक क्षण हमारे लिए लगा रहे हैं, हमारी कामयाबी के लिए 100-100 जतन कर रहे हैं, हम इनके महत्व को समझना होगा हमें। मैं कहता हूं कि जो नेताजी का सम्मान नहीं कर सकता वो कल माननीय मुख्यमंत्री जी का भी सम्मान नहीं करेगा। ये चापलूसी में दूसरे को खुश करने वाली तरकीबें हैं जो बार बार चिट्ठियां लिखकर नेताजी को नसीहत दे रहे हैं। उनकी हैसियत 500 वोटों की भी नहीं है।